Subscribe my channel for more educational videos and hit the bell icon to get the notification. Hello kids, welcome to your class. आज की क्लास में हम करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर. डू यू नो व्हाट डज इट मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा नंबर. मीन्स हमें स्टार्ट किससे करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से. किससे? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर. और ऊपर जाते जाते हम कहाँ करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर पे हम एंड करते हैं. ऑल राइट, दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. अब हम देखेंगे हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आप नंबर को रीड करेंगे. क्या 138, 195, आपको इसी तरह से रीड करना है. मींस 100 की फिगर है तो आपको 100 बोलना है, 1000 का नंबर है तो आपको 1000 बोलना है. वो क्यों? वो आपको अभी समझ में आएगा. देखिए 138, 195, 165 and this is 49. हम जब इस तरह से रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाकी सब जो नंबर्स हैं ये 3-digit नंबर हैं और ये जो है 2-digit नंबर है, तो ये सबसे छोटा होगा. अदरवाइज़ क्या होता है, कन्फ्यूजन कैसे हो जाएगी, 138, 195, 165. तो बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, मेस कर देते हैं और 1 को गायब ही कर देते हैं. तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो इसीलिए मेरा सजेशन है आप नंबर को पूरे तरीके से रीड करें जैसे कि हम करते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 49. सबसे पहले आ जाएगा 49, देन यू विल पुट अ कॉमा, देन आप क्या करेंगे, इस पे आप टिक कर दीजिए कि ये नंबर हमारा डन हो गया है. उसके बाद बाकी नंबर्स में से आपको देखना है कि बाकी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है. इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये है नंबर 138, ये सबसे छोटा नंबर है. आप इस तरह से करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी. पहले सबसे छोटा नंबर देखिए, उस पर टिक कर दीजिए कि वो डन हो गया है. उसके बाद बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर देखिए, फिर उसको टिक कर दीजिए. अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनमें से छोटा नंबर, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 165. नेक्स्ट लास्ट कौन सा बचा? 195. ये करके आप इसको भी टिक कर देंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके सारे नंबर्स जो हैं कवर हो गए हैं. समझ में आया आपको? नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 151, 42, 133, 124. इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 42, बिकॉज दिस इज़ अ 2-digit नंबर. तो 42 आ गया यहाँ पे. फिर हम इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे. आप छोटा सा एक टिक लगा सकते हैं चाहे तो अपने क्वेश्चंस जब आप स्कूल में करते हैं तो आप इस टिक को इरेज कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी देर इज़ नो इशू. ओके, 42 सबसे छोटा नंबर ये आ गया, ये हमने टिक कर दिया. अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं इनमें से हमें क्या देखना है, सबसे छोटा नंबर. इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये नंबर 124. तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे. नेक्स्ट फेस को हमने टिक कर दिया. अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 133. तो इसको भी हमने टिक कर दिया. अब क्या बचा? 151. ख़त्म. इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड एन असेंडिंग ऑर्डर. जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उस तरह से वो आंसर जो है हमारा आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. इस टाइम आप क्या करेंगे, अब वीडियो को आप पॉज करेंगे और आप आंसर अपनी नोटबुक में राइट करेंगे. ऑल राइट, अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये देखिए 70, 166, 32, 188. सबसे छोटा नंबर है 32. ओके, ये हमने टिक कर दिया. नेक्स्ट उसके बाद बाकी जो नंबर्स बचे हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 70. तो हमने 70 लिख दिया. इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 166. तो हमने ये लिख दिया. देन लास्ट कौन सा बचा? 188. ये हमने कर दिया.
इनमें से जब 3 डिजिट तक जब पढ़ाया जाता है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्फ्यूजन हमेशा साथ में 2 डिजिट नंबर दिया जाता है ताकि बच्चे का पता चले कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर वो नहीं देखेगा तो वो रॉन्ग कर देगा, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को रीड करने में वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 96, 79, 152, 185। तो सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज 79, वी विल राइट 79 हियर एंड देन टिक। देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज, इन जो बचे हैं जो नंबर, इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 96, तो हम इसको भी टिक कर देंगे। अब इन दोनों में से ये नंबर बचे हैं, इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 152। उसके बाद लास्ट जो बचा वी विल राइट हेयर, ख़त्म, सॉल्व हो गया आंसर हमारा। ओके नेक्स्ट दी क्वेश्चन देखेंगे 147, 156, 130 एंड 98। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अब अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मींस बड़े से छोटे नंबर पे आना है, मींस हमें किससे स्टार्टिंग करनी है, ग्रेटेस्ट, हमें किससे स्टार्टिंग करनी है, ग्रेटेस्ट नंबर से हमें स्टार्टिंग करनी है और कहाँ आना है, स्मॉलेस्ट नंबर तक आना है। आपको डिफरेंस समझ में आया, आप दोनों के एक बार डायग्राफ देखिए। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस तरह से जहाँ एरो जा रहा है वहीं हमारा मूवमेंट है, ग्रेटेस्ट से हमें स्मॉलेस्ट पे आना है और इसमें स्मॉलेस्ट से हमें ग्रेटेस्ट पे जाना है। इसी को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया। फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है, हमें नंबर को रीड करना है प्रॉपरली। सो देखिए आप, फर्स्ट नंबर क्या है, 194, दिस इज 45, देन 82, 170, 117, ओके ये नंबर्स हैं। अब इसमें से हमें क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर अब इसमें देखना है हमें, क्योंकि हमें स्टार्ट किससे करना है, ग्रेटेस्ट नंबर से। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे बड़ा नंबर ये है 194। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 194। अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं इनमें से हम क्या देखेंगे, इनमें से सबसे बड़ा नंबर अब कौन सा है। जैसे हमने असेंडिंग में किया था एक टिक करके, बाकी फिर हमने देखा था सबसे छोटा नंबर, इसमें हम देखेंगे एक टिक कर दिया तो बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर। अब आप देखिए इन सब में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर है 170, है ना, 170। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 170 एंड 117, ओके ये नंबर आएगा यहाँ पे। अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 117, इसको हम टिक कर देते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 82, तो 82 हम यहाँ लिख देंगे, इसको टिक कर देंगे। और लास्ट में क्या बचा, 45, तो अब हम इसको भी टिक कर देंगे। मींस हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब देखिए सबसे बड़े नंबर से हमने अरेंज कर दिया, हम कहाँ आ गए, स्मॉलेस्ट नंबर, वी विल मूव फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें अरेंज हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 49, 174, 26, 162 एंड 54। सबसे बड़ा नंबर इसमें से हम देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 174। नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर, बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, 162। इनमें से बाकी में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अब 54, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट अब बड़ा नंबर कौन सा है, 49, ओके उसके बाद लास्ट कौन सा बचा, 26, वो हम यहाँ लिख देंगे। इजी हो रहा है ना, इसी तरह से अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नंबर आप मेरे साथ साथ रीड करें, 119, 29, 82, 160 एंड दिस इज 99। अब हम क्या देखेंगे, इसमें
सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हम वो देखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर है 160। नेक्स्ट बाकी नंबर्स जो बचे हैं उनमें से बड़ा नंबर आप ध्यान से देखें तो ये है 119। उसके बाद बाकी जो नंबर्स बचे हैं बड़ा नंबर 99, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में से कौन सा बचेगा, 82, ये भी आ गया। लास्ट कौन सा बचा, 29। सॉल्व। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, 168, 42, 24, 190, 72। इनमें से हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 190। नेक्स्ट उसके बाद बड़ा नंबर है 168। आप टिक करना बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि टिक करने से हमें पता लगता है हमारा ये नंबर हो गया है। बिकॉज़ अभी क्या है, अभी सिर्फ हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत इजी है हमारे लिए करना, है ना। लेकिन क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चंस मिक्स होते हैं ना, तो उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें टिक करना ज़रूरी हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 72, तो इसको टिक कर देंगे। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 42। कन्फ्यूजन देखा आपने कैसे क्रिएट किया हुआ है क्वेश्चन में, 42 एंड 24, देखिए इंटरचेंज करे हुए नंबर्स बस, है ना। तो इससे हमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये 24 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें, 20, 126, 62, 169 एंड 46, ये नंबर्स हैं। इनका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।